Hi guys, today I gonna express some Scrabbles ending with mania. What is the meaning of mania? Mania means madness or frenzy. It is also special for making the worse. आपके सामने मैं वो बात मिला रहा हूँ जिसको कहते हैं मैनिया. मैनिया का मतलब होता है पागलपन, उन्मादपन. सपोज्ड यू लुक एट हियर, आप यहाँ देखिए, बिब्लियोमैनिया. बिब्लियोमैनिया यानी कि एक्सट्रीमली प्री ऑक्यूपेशन कलेक्टिव बुक्स और डिजायर टू रीड बुक्स, कलेक्टिंग द बुक्स. अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करता है कि किताब पढ़ूँ और किताब को खरीदूँ ला के रखूँ, उसको क्या हो गया है? बिब्लियोमैनिया हो गया है. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्रिप्टोमैनिया. क्रिप्टोमैनिया चोरी करने का आदत, छोटे छोटे चीज़ को जहाँ बैठेगा चोरी करेगा. उसके अंदर में एक ये खसूसियत पहले से है कि वो चोरी करेगा. दैट इज कॉल्ड द क्रिप्टोमैनिया. स्ट्रॉन्ग विशेस टू स्टील, चोरी करने का बहुत बहुत ज़्यादा उन्मादपन, पागलपन. नेक्स्ट देखिए, मेगालोमैनिया. मेगालोमैनिया ए मेंटल डिसऑर्डर और कंडीशन इन विच ए पर्सन हैज एन एग्जैग्रेटेड बिलीफ ओन पावर एंड इम्पोर्टेंस. वो आदमी जो अपने पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, अहंकारी है, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, उस तरह का जो बीमारी है उसी को कहते हैं मेगालोमैनिया. नेक्स्ट देखिए, डिस्पोमैनिया. डिस्पोमैनिया ये स्ट्रॉन्ग नीड टू ड्रिंक, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हर वक्त रखता है वो शख्स जो शराब पीने का ख्वाहिश, सुबह पीता है, शाम को पीता है, स्ट्रॉन्ग नीड है उसका, उसको क्या हो गया है? डिस्पोमैनिया हो गया. वो बीमारी है डिस्पोमैनिया. नेक्स्ट हाइड्रोमैनिया. हाइड्रो का मतलब होता है पानी. हाइड्रोमैनिया पानी पीने का अदम्य इच्छा, अनअकाउंटेबल क्रैबिंग फॉर वाटर. हर वक्त पानी पीता रहता है, ये भी एक तरीके का डिजीज है, इसे हाइड्रोमैनिया हुआ है. और एक मैनिया देखिए, पायरोमैनिया. पायरोमैनिया ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर इन थिंग्स, टू थिंग्स. किसी सामान में आग लगा देने का डिजायर, कहीं बैठा है आग लगा दे रहा है किसी चीज को, उसके अंदर में ये पागलपन है कि जब बाहर जाएगा आग लगा देगा, लोग उसको बाहर छोड़ते नहीं है, ये भी पायरोमैनिया है. नेक्स्ट है नॉस्टोमैनिया. ये नॉस्टल्जिया से है. नॉस्टोमैनिया का मतलब होता है कि पागलपन घर जाने का, और पागलपन अकेले हर वक्त सोचता रहता है कि घर किस तरह जाऊं. ओवरवेलिंग डिजायर टू रिटर्न टू फैमिलियर सराउंडिंग में जाकर रहना चाहता है, और ओन्स हाउस अपने घर में रहना चाहता है. और एक मैनिया देखिए, थियोमैनिया. ये मैनिया अक्सर मजहबी लोगों को होता है. थियोमैनिया रिलीजियस मैडनेस इन विच द पेशेंट बिलीव्स दैट ही इज ए डिटी और इज इंस्पायर्ड. ये एक ऐसा बीमारी है, यहाँ पर एक शख्स सोचता है मैं खुद भगवान हूँ, अगर मैं भगवान नहीं भी हूँ भगवान मुझे इंस्पायर करता है, इसको कहते हैं थियोमैनिया. उसे हो गया, बहुत ज़्यादा मजहब का सोच और बूझ में हर वक्त चला रहता है. और एक वर्ड है देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार वर्ड है, निम्फोमैनिया. एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन वोमेन. औरतों में मर्द के तरफ ख्वाहिश ज़्यादा रखती है औरत, उसे एक बीमारी हो जाता है जिसे कहते हैं निम्फोमैनिया. नेक्स्ट स्टायरोमैनिया. सटायरोमैनिया. सटायरोमैनिया इसका मतलब होता है एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर इन मैन. इंसान में बहुत ज़्यादा ख्वाहिश औरत की तरफ रहता है, उसे भी एक बीमारी कहते हैं जिसको कहते हैं सटायरोमैनिया. नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत ही बेहतरीन है, क्वायर सुने होंगे. क्वायर, क्वायर मैंने एक साथ में गाना गाना. क्वायरोमैनिया डांसिंग मैनिया और फ्रिंजी.
पागल हो जाना डांस करने के लिए, हर वक्त डांस करती रहती है, घर में रहती है डांस, बाहर जाती है डांस, पार्टी में है डांस, उसको एक बीमारी लग गया है, इसको कहते हैं कायरोमैनिया। नेक्स्ट है, ये एक वर्ड है फिर यही डांसिंग में है, डिनोमैनिया। ये भी मैनिया है, ये भी क्या है, डांसिंग का मैनिया है, पागलपन है नाचने का। और दूसरा देखिए डोरोमैनिया। डोरोमैनिया का मतलब होता है ऑब्सेशंस विथ गिविंग गिफ्ट। कहीं भी जाता है गिफ्ट खरीदो, घर में आए औरत आई गिफ्ट लाइए, अरे आप उसको गिफ्ट नहीं दिए, उसे डोरोमैनिया हुआ है, गिफ्ट खरीदने का आदत बहुत ज़्यादा। और एक वर्ड देखिए ड्रैपेटोमैनिया। ये ड्रैपेटोमैनिया क्या है, इंटेंस डिजायर टू रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागने का हर वक्त वो कौशल ढूंढता रहता है, कब घर से भाग जाऊं कहीं, घर में रहने को चाहता नहीं है, घर से भागने का कोशिश करता है, उसको ड्रैपेटोमैनिया हो गया। ये भी एक तरीके का बीमारी है, जो मेरे पीछे स्क्रीन में देख रहे हैं ये सब बीमारी में मुफ्तला तरह तरह के। ईगो मैनिया, बहुत सारे लोग तो ईगो तो रखते ही हैं, उनका ईगो हॉट हो जाता है, उनके अंदर में इतना अदम्य रहता है ईगो मैनिया, इरेशनल सेल्फ सेंटर एटीट्यूड कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक क्या हूँ, मुझे क्यों उसने बात बोला, मैं तो मैं हूँ, ईगो मैनिया। नेक्स्ट अच्छा वाला देखिए हेजियोमैनिया। हेजियोमैनिया मैनिया फॉर सेंटहुड, ये एक पागलपन है, वो अपने आप को सेंट महसूस करता है कि मैं एक साधु हूँ, मैं एक भला आदमी हूँ। और ये अक्सर मजहबी लोगों को होता है। आइडोलोमैनिया, डिवोशन टू आइडोल, यानी कि ये वो एक मैनिया है जिससे आदमी अपने आप को सबसे ज़्यादा पूजा पाठ में लगा देता है, इसको कहते हैं आइडोलोमैनिया, आइडोल से है। और बेहतरीन वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये वर्ड देखिए ऑनिकोटिलोमैनिया, कॉम्पल्सिव पिकिंग एट द फिंगर नेल, हर वक्त ऐसा करके फिंगर नेल को पिकिंग करता रहा, बैठ के देखोगे ऐसा ऐसा करता था कुछ लड़का, उसी को कहते हैं ऑनिकोटिलोमैनिया। नेक्स्ट है फोनोमैनिया, ए हैबिट ऑफ बाइटिंग वंस नेल, ऐसा करके नेल को खाता रहता है। ऑल दिस वर्ड्स वट एवर आई हैव टोल्ड यू, इट इज़ वेरी इसेंशियल, व्हेन वो यू यूज दिस वर्ड्स योर लैंग्वेज विल फ्लॉरिस्ट, यू ऑलवेज गो थ्रू माई लेसन, आई लाइक दैट यू शुड स्पीक एंड राइट परफेक्टली एप्रोप्रिएट वर्ड इन एप्रोप्रिएट प्लेस। ओके थैंक्स।